भद्रक जिला 27 अक्टूबर को काली पूजा मनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। काली पूजा उसी उत्साह के साथ की जाती है जो कटक में बाल यात्रा और हिमकनाल में लक्ष्मी पूजा के दौरान दिखाई देती है। इस शहर में कारीगर उन लोगों को एक विशेष सजावटी रूप देने के लिए 2400 घंटे काम कर रहे हैं। उनमें से कुछ ने कहा कि निर्माण कार्य का 60% काम खत्म हो गया है, जबकि मां काली की मिट्टी की मूर्तियां बनाने का काम लगभग पूरा हो चुका है। पंडालों के लिए विशेष थीम है, उनमें से एक जहाज टाइटैनिक से मिलता जुलता है, अन्य को ऐतिहासिक महलों और भारत के स्थलों के रूप में बनाया गया है। पूजा समितियों ने पहले से ही शहर के विभिन्न स्थानों पर शिफ्ट स्टॉल बनाने के लिए फेरी वालों को स्थान आवंटित कर दिया है। फूड कोर्ट टेंट निर्माणाधीन है, जबकि शोज, ऑपेरा शो और खुशी की सवारी के लिए स्थान चिन्हित किए गए हैं। चूँकि यहाँ पर हजारों पूजा खुलासे होने की उम्मीद है, इसलिए उनकी सुरक्षा पूजा समितियों और जिला प्रशासन के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। एसपी राजेश पंडित ने बताया कि पुलिस संवेदनशील बिंदुओं पर सीसीटीवी कैमरे लगाने जा रही है। अग्नि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं। काली पूजा आयोजित करने वाली विभिन्न समितियों द्वारा भी इसी तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। भद्रक काली पूजा महासंघ के अनुसार कलर्स सब यात्रा 27 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। पूजा दिवाली से शुरू होगी और 10 दिनों तक जारी रहेगी। जिला प्रशासन द्वारा दी गई अनुमति के अनुसार विसर्जन 6 नवंबर को होगा।